गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन, ओके। आज हम अध्याय 13 रक्त की कहानी, ये वाला चैप्टर पढ़ेंगे। रक्त की कहानी, ये जो है चैप्टर, ये साइंस से संबंधित है, विज्ञान के, इसमें विज्ञान के बारे में बताया गया है। इसका एक जो पूरा चैप्टर है, इसमें माँ और बेटी, यानी मम्मी और बेटी एक दूसरे से वार्तालाप कर रहे हैं, और मम्मी विज्ञान के विषय में, रक्त के विषय में उसको नेहा को समझा रही है। तो हुआ क्या कि नेहा पढ़ने में बहुत होशियार थी, कानपुर शहर में रहते थे ये लोग, और पढ़ने में होशियार थी। सुबह वो होमवर्क करने बैठी तो वो पेंसिल छीलने बैठी, और पेंसिल छीलते हुए उसकी उंगली कट हो गई। अब जैसे ही कट हुई तो उसमें से खून निकल गया, तो बच्चे एकदम घबरा जाते हैं ना, वैसे वो भी घबराई और जोर से रोने लगी, क्योंकि उसकी उंगली से खून टपक रहा था। खून टपक रहा था, वो चिल्लाई तो उसकी मम्मी दौड़ते हुए आई, और दौड़ते हुए आके उन्होंने देखा वो रो रही थी। उसने, उनकी मम्मी ने उनको चुप कराया, उस पर पट्टी बांधी, दवाई लगाई, और ये बोला बहादुर बच्चे खून को देख करके नहीं रोते हैं, ऐसे करके उन्होंने चुप कराया। फिर भी वो रो रही थी तो मम्मी ने बोला उसको, यानी उसका ध्यान हटाने के लिए उसको एक पहेली पूछी। बोले ठीक है बताओ। तो वो पहेली क्या थी? बहता है पर पानी नहीं, लाल है पर सेब नहीं, जीवन का आधार है, बतलाओ वो क्या। तो नेहा थोड़ी देर सोचने लगी, वो रोते रोते चुप हो गई, सोचने लगी, और फिर उसने बताया रक्त या खून। तो मम्मी ने उसको शाबाशी दी और बोला ठीक है। फिर मम्मी ने बोला कि ठीक है, उसको खूब गोदी में बिठा करके, और बोले अच्छा चलो एक कहानी बताते हूँ। जैसी कहानी का नाम किया तो नेहा है ना, उसका जो दर्द था वो भूल गई और वो कहानी सुनने लगी। तो मम्मी ने बताया कि रक्त के दो भाग होते हैं, एक पानी जैसा होता है पतला, जिसको कि प्लाज्मा कहते हैं, और दूसरा भाग जो होता है उसमें छोटे बड़े कण होते हैं। तो नेहा ने पूछा कि अच्छा ये पतला भाग होता है जो प्लाज्मा कहलाता है, दूसरा छोटा बड़ा भाग जो कि कण कहलाते हैं। फिर नेहा ने पूछा कि मम्मी ये जो खून है ये लाल कलर का क्यों दिखता है? तो मम्मी ने उसको समझाया कि रक्त में जो लाल कलर होता है वो हीमोग्लोबिन का होता है। तो नेहा ने कहा हाँ हाँ, हमको भी स्कूल में बताया था, उसको याद आया। तो उसने बताया कि हाँ मम्मी, हमको स्कूल में बताया था कि रक्त में जो लाल कण होते हैं और एक सफेद कण होते हैं, जो कि हमको आंखों से नहीं दिखाई देते और ये माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता। तो मम्मी ने कहा हाँ हाँ, ऐसा ही होता है, एक लाल कण होते हैं जिसको लाल कण, और एक सफेद जिसको सफेद कण कहते हैं, इसके अलावा उसमें प्लेटलेट्स भी होती है। तो बोले ठीक है। फिर उसने बोला कि अच्छा ये लाल कलर, तो फिर मम्मी ने बताया कि लाल कलर जो होता है वो एक्चुअल में हीमोग्लोबिन एक पदार्थ होता है, उसके कारण वे हीमोग्लोबिन के कारण वे लाल दिखाई देते हैं। और इसका काम ये रहता है कि जो हम ऑक्सीजन लेते हैं उसको ये ग्रहण करके और हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन को फैलाते हैं। तो नेहा ने बोला ठीक है। इसके बाद में मम्मी ने पूछा कि अच्छा तुम एनीमिया के बारे में जानती हो? उसने कहा नहीं, आप ही बता दो। तो मम्मी ने बताया कि एनीमिया जो हमारे शरीर में खून की कमी होती है उससे एक बीमारी होती है, और उससे हमको कमजोरी आ जाती है, ये एनीमिया होता है। तो उसने, मम्मी ने पूछा अच्छा आपको मालूम है कि एनीमिया कैसे दूर होता है? तो नेहा ने फौरन बताया कि आयरन की कमी आपने बताई है, तो आयरन की कमी तो हरी सब्जियों को खाने से, पत्ता गोभी है, पालक है, अंडा है, मांस है, इससे दूर होती है। तो मम्मी ने कहा शाबाश बेटा, लोह तत्व की कमी से जो होने वाली बीमारी रहती है उसको एनीमिया कहते हैं। उन्होंने कहा अब हमको, यानी जैसे बच्चों को समझाते हैं तो रोज अच्छी सब्जियां खाना चाहिए। फिर मम्मी ने ये बताया कि ये जो हमारे शरीर का खून है ये मालूम है कहाँ बनता है? नेहा ने कहा नहीं। उन्होंने बताया कि ये हमारे शरीर की जो हड्डियां होती है, जो खोपड़ी होती है, उसके अंदर बनता है, और ये हमारे शरीर में पूरे इसमें बहता रहता है, प्लाज्मा के उसमें घुला हुआ।
आ जाती है और ये रोगों से हमको लड़ने की क्षमता प्रदान करती है, और उससे ही ये जब ये मर जाती है सफेद कणिकाएं तो ये मवाद बन जाता है। तो इस तरीके से हमारे शरीर में ये ब्लड पूरे टाइम चलता रहता है। फिर उन्होंने ये बताया कि हमारे शरीर में एक शक्तिशाली पंप है। तो नेहा फौरन बोली, अच्छा दिल है ना वो? तो बोले हाँ। तो वो क्या करता है, दिल हमारे शरीर में पूरे में जो रक्त है उसको संचारित करता है। इस तरीके से ये हमारा शरीर काम करता है। फिर मम्मी ने उसको बताया कि चार्ल्स प्रथम थे, उनके एक निजी चिकित्सक थे डॉक्टर हार्वे, उन्होंने रक्त संचार प्रणाली पर अनुसंधान किया और उन्होंने बताया कि जो दिल है हमारा जो हार्ट है वो रक्त को चक्रनुमा रास्ते पर फेंकता है और उससे हमारे शरीर में पूरे समय 24 घंटे रक्त बहता रहता है। इतने में क्या हुआ कि घंटी जो घड़ी थी उसमें से टन 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 आवाज आई कि समय हो गया 8 बज गया है। तो मम्मी ने कहा अरे 8 बज गया, और फिर नेहा भी उठ गई वहां से और मम्मी भी उठ गई। नेहा ने अपना बस्ता पैक किया और स्कूल जाने की तैयारी करने लगी। इस तरीके से ये पाठ है। इसमें हमने क्या देखा कि रक्त के दो भाग होते हैं, है ना? मम्मी ने उसको बताया था। तो रक्त के दो भाग होते हैं, एक प्लाज्मा होता है और दूसरा छोटे बड़े कण होते हैं। प्लाज्मा का नाम आपने सुना, अभी कोविड में प्लाज्मा का जिक्र आता है, प्लाज्मा थेरेपी, तो ये वही प्लाज्मा है। फिर लाल रक्त कण, रक्त जो है जो छोटे बड़े कण वो कौन कौन से होते हैं? एक लाल रक्त कणिका और सफेद रक्त कणिका, इसके अलावा प्लेटलेट्स है। लाल रक्त कणिका जो रहती है उसमें क्या रहता है, हीमोग्लोबिन रहता है, जिसके कारण वो लाल कलर रहता है और ये ऑक्सीजन को हमारे शरीर में पूरा फैलाते हैं। सफेद ब्लड सेल्स जो है या सफेद रक्त कणिका है उसका काम रहता है कि जो भी हमारे शरीर में जैसे फॉरेन बॉडी आ गई, कुछ हमको कांटा लग गया, कील लग गई, तो वो वहां पे सफेद कणिकाएं आके आजू बाजू जमा हो जाती है और वो वहां पे अंदर उसमें बाहरी जो बैक्टीरिया वगैरह उनको नहीं जाने देते, वहीं पे वो पक करके फोड़ा जैसा बन जाता है, मवाद बाहर निकल जाता है। प्लेटलेट्स जो है, तो इसमें बताया नहीं है डिपार्टमेंट, प्लेटलेट्स का काम होता है कि हमारे शरीर में खून के थक्के को बनाना जमाना। तो जो प्लेटलेट्स रहते हैं वो लंबे लंबे ऐसे रेशे जैसे रहते हैं और वो आकर के ऊपर जम जाते हैं। आपने देखा जब आपको चोट लगती है तो वहां काला काला धब्बा थोड़े दिन बाद हो जाता है, तो ये क्या रहते हैं, प्लेटलेट्स जम जाती है और उसके बाद में उसमें कुछ ब्लड सेल्स आ जाते हैं, जमा हो जाती है रेड वाली, तो वो हमको कथी कलर में थक्का दिखाई देता है ना, तो वो रहता है। अच्छा कई बार आपको लग जाता है तो क्या होता है, खून निकलता है, फिर कई बार खून निकलने के बाद में पतला तरल पदार्थ वहां पे पानी जैसा दिखता है, वो रहता है प्लाज्मा। तो हमने क्या देखा, प्लाज्मा रेड ब्लड सेल यानी लाल रक्त कणिका, सफेद रक्त कणिका, प्लेटलेट्स। फिर लोहे की, लोह तत्व की कमी से हमारे शरीर में एनीमिया की बीमारी होती है। इसके लिए हमको हरी सब्जियां खाना चाहिए, अंडा मांस और जिन चीजों में आयरन है, हरी पालक है, जिनको काटने पे कालापन आ जाता है सब्जियों में, उनमें सब में आयरन होता है। इसके अलावा हमने देखा कि हमारे शरीर में एक शक्तिशाली पंप है जो पूरा ब्लड हमारे शरीर में सर्कुलेट करता है, और इसका जो अनुसंधान किया था ये जीव को जानने के लिए वो डॉक्टर हार्वे ने की थी, रक्त संचार प्रणाली को पर अनुसंधान किया था। उन्होंने बताया था कि शरीर में जो दिल से लेकर के एक चक्रनुमा रास्ते पे ब्लड को वो फेंकता रहता है और पूरे शरीर में ब्लड घूमते रहता है। तो ये है हमारे जो अध्याय है इसका सार है, आशा है आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू।